बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, जिनके लाखों लोग दीवाने हैं। मिथुन ने अपनी एक्टिंग से लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया है। एक दौर ऐसा भी आया था जब लोग मिथुन के हुलिये को खुद पर आजमाया करते थे और उनको कॉपी किया करते थे। उस दौर में मिथुन के प्रति लोगों में दीवानापन था। वहीं आज भी इस दिग्गज अभिनेता के दीवाने लाखों लोग हैं। मिथुन ने अपने करियर में तमाम शानदार फिल्में दी हैं और अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। वहीं 74 साल के एक्टर को अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है। एक्स पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि दिग्गज अभिनेता को उनकी उल्लेखनीय सिनेमाई यात्रा और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। 74 साल के मिथुन चक्रवर्ती का हिंदी सिनेमा में 48 साल का सफल करियर है। वो अभी भी फिल्मों में सक्रिय है। अश्विनी वैष्णव ने कहा, मिथुन दा की उल्लेखनीय सिनेमामयी यात्रा पीढ़ियों को प्रेरित करती है। यह घोषणा करते हुए सम्मानित महसूस हो रहा है कि दादा साहब फाल्के चयन जूरी ने दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी को भारतीय सिनेमा में उनके प्रतिष्ठित योगदान के लिए पुरस्कार देने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी बताया कि मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा, जो 8 अक्टूबर 2024 को होने वाला है। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती को यह सम्मान 8 अक्टूबर 2024 को 70वें नेशनल फील्ड अवार्ड सेरेमनी में दिया जाएगा। वही एक्टर के लिए इस पुरस्कार की घोषणा के साथ ही उनके तमाम फैंस और सेलेब्स अब उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं। इससे पहले मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। यह समारोह अप्रैल में हुआ था और अभिनेता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह सम्मान हासिल हुआ था। वहीं अब इसी के साथ आपको हम मिथुन चक्रवर्ती के संघर्षों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं। कोलकाता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती ने काफी संघर्ष के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने साल 1977 में आई फिल्म मृगया से एक्टिंग में डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए मिथुन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी। उनकी यादगार फिल्मों में अग्निपथ, मुझे इंसाफ चाहिए, हमसे है जमाना, पसंद अपनी अपनी, घर एक मंदिर और कसम पैदा करने वाले सहित कई अन्य शामिल है फिल्में। मिथुन ने अपने करियर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली और पंजाबी की 350 से ज्यादा फिल्में की हैं और आज भी मिथुन को फिल्मों में देखने के लिए, उनकी दमदार एक्टिंग को देखने के लिए लाखों फैंस आज भी इंतजार करते हैं। बहरहाल मिथुन चक्रवर्ती को इस वक्त तमाम बधाइयां मिल रही हैं और सभी को अब बेसब्री से इंतजार है 8 अक्टूबर का।